हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेजर अरकाना यूज़ करूँगी आज मैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स टू चेक करंट एनर्जी और उसके बाद हम लेंगे टैरो से गाइडेंस, क्लैरिफाई करेंगे इन सभी कार्ड्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स, पहला कार्ड है मैजिशियन, फोर मोर कार्ड्स एंजल्स, सेकंड वी हैव जस्टिस, थ्री मोर कार्ड्स, द वर्ल्ड, टू मोर कार्ड्स, द सन, वन मोर कार्ड, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। साइन यहाँ पर एरीज, लियो, लिब्रा, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो द वर्ल्ड मेरे लिए सभी साइंस को कैरी करता है। सो यहाँ पर एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव सेंस में है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके पार्टनर न्याय के एनर्जी में हैं, न्याय करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के जो भी एनर्जी है वो भी यहाँ पर आई है। द वर्ल्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल यहाँ पर दिख रहा है, कुछ बड़े कम्प्लीशन की तरफ बढ़ रही है आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी, कुछ कम्प्लीट करने की एनर्जी है। लेट्स चेक कि क्या कम्प्लीट करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं और किसे जस्टिस देना चाहते हैं। सो टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं कलेक्टिव लेवल पे ये कार्ड्स। मैजिशियन क्यों आया है, एम्परर, वन मोर कार्ड, ओके। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, एम्परर एंड द फूल, मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई शुरुआत। कपल आ गया है तो ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वहाँ से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट आपसे कहा कि ये एनर्जी यही बता रही है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए, एक्शन लेने के लिए, आपको न्याय देने के लिए, और कार्ड भी यही बता रहे हैं। एम्परर, एम्प्रेस एंड द फूल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पेरेंट्स से या तो डिस्कशन कर रहे हैं या कर सकते हैं, या तो अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ तो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, बट देयर इज़ एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। जस्टिस क्यों आया है, नाइन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ये अब और दबे कुचले नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहते, ये इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये सैड है बहुत ज़्यादा, अब इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ ये भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, अगर आपके साथ ये भी ट्रू लव की एनर्जी में हैं, तो इन्हें अगर इन्होंने आपको अगर हर्ट किया है या धोखा दिया है तो इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा, और अब ये न्याय करना चाहते हैं। ये अब फियर में नहीं रहना चाहते या नहीं रहना चाहती हैं, डर के नहीं जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से एक्शन लेना चाहते हैं। द वर्ड क्यों आया है, जहाँ भी अटके हैं, जिस भी सिचुएशन में अटके हैं, जहाँ से भी आपकी गाड़ी अटकी हुई आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इनके लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस इनके आगे क्लियर हो रही हैं, क्या इनको एक्शन लेना चाहिए, क्या इनको डिसीजन लेना चाहिए, होप है कि नहीं है, होप है तो कैसे उसमें आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कर रही हैं अकेले रह के। अकेले रह के ये सबसे बड़ी गाइडेंस है,
किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, किसी की गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं, ये खुद के बेसिस पे आत्ममंथन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जी है, यहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा साइकिल को एंड करने की एनर्जी में है। द सन क्यों आया है, कैसा एक्शन, द सन क्यों आया है एंजल्स, वेरी गुड। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है उसी चीज़ पर एक्शन लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं। वेटिंग फॉर मैरिज, मैरिज को लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट को लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, शादी को लेकर एक्शन की एनर्जी है। एम्प्रेस क्यों आई है, थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। 5-5 मेजर चेंज, 5-5 इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ मेजर एंडिंग्स, मेजर कॉन्फ्लिक्ट, मेजर ब्रेकअप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कार्मिक जो भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, वहाँ पर एंडिंग हो सकती है, वहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है इनके लाइफ में। अगर कार्मिक इनकी फैमिली है या इनके लाइफ में कार्मिक अगर कोई सिचुएशन है या कोई अदर पर्सन है तो यहाँ पर उससे बहुत भयंकर झगड़े हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस की भी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस क्यों आए हैं, अगेन हाई प्रिस्टेस, यहाँ मैनिपुलेशन। हाई प्रिस्टेस क्या बताता है, हाई प्रिस्टेस बताता है कोई ऐसा पर्सन जो बड़ा मैनिपुलेटिव हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत डोमिनेटिंग हो, वहाँ पर चाहे फैमिली हो डोमिनेटिंग, चाहे कोई अदर मैनिपुलेशन हो, वहाँ पर ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ बढ़ पाएँ, उन ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर पाएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं जो आगे होने वाली हैं। मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये इस वक्त की एनर्जी है आज की। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 5 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है विजडम, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सैक्रल चक्रा, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस। वही नेक्स्ट एक्शन भी आया है जो करंट एनर्जी में आया है। नेक्स्ट एक्शन में भी नज़र आ रहा है शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फैमिली को लेकर, इनसिक्योरिटी को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर झगड़े होने वाले हैं। यही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, न्यू बिगिनिंग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, लव बिगिंस की एनर्जी है, फैमिली से डिस्कशंस होने वाले हैं। हैरोफेंट क्यों आया है, शादी को लेकर बात आगे बढ़ सकती है, करियर को लेकर अगर परेशान हैं या करियर के करियर लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं तो उसको भी लेकर बहुत सीरियसली सोचने वाली हैं या सोचने वाले हैं। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं तो ये अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि शादी हो सके। घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं क्योंकि रूट चक्रा बेसिक नेसेसिटीज़ और घर गृहस्थी को शो करता है। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड क्यों आया है, कमिटमेंट को लेकर, एक नई शुरुआत को लेकर झगड़े होने वाले हैं थर्ड पार्टी से। टू ऑफ पेंटिकल्स, वही सेम एनर्जी आ रही है जो अभी मैंने आपको बताई है। फियर की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, क्या बात है। 999 को क्लैरिफाई किया है 99 ने, मतलब कि यहाँ पर जो इनकी विशेज़ हैं उसको पूरी करने के लिए जो भी साइकिल होगी वो एंड कर सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई थी टैरो से, मतलब मेजर अरकाना से, और नेक्स्ट एक्शन में 999 आया है। इट्स एन एंजल नंबर एंड 999 नंबर जो है वो बताता है किसी साइकिल को कंप्लीट करने के पहले जिन सिचुएशंस को रिलीज़ करना है या जो सिचुएशन सर्व नहीं कर रही हैं उनको अपने लाइफ से रिमूव करना, तो चाहे वो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फैमिली से रिलेटेड डर हो, इनकी इच्छा है ये सारी फियर से बाहर निकल जाना। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है।
हाई प्रिस्टेस इंट्यूशन क्यों आया है? थर्ड पार्टी जो भी है वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था हाई प्रिस्टेस के साथ झगड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया हुआ है। सो यही सब होने वाला है आज के दिन में, या जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ओवर एंड ऑल आज की एनर्जी में यही सब दिख रहा है, झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स, बवाल। आपको लेकर बहुत कम एनर्जी है, मतलब आपकी तरफ आज ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा आपके पार्टनर्स का। आज के दिन में जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 5 आवर्स 5 डेज। ये जो एनर्जी है ये जब भी आप रीडिंग देखेंगे 5 आवर्स या 5 डेज के अंदर आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? फर्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टेशन। हो सके तो मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, लव स्पेल बाय एम सिंह एंड मनी स्पेल बाय एम सिंह। तो अगर आप करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं तो मनी स्पेल बाय एम सिंह लिखिए यूट्यूब पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं, मैसेज या कॉल नहीं आ रहा है या सेपरेशन है बहुत टाइम से, तो आप लव स्पेल बाय एम सिंह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? YouTube पे लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सेकंड है हमारे पास हीलर। यहाँ पर आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हीलर है जो कि आपको गाइड कर रहा है या कर रही है, जो कि आपको हील कर रहा है अंदर अंदर, आपके जितने भी जख्म हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को हील करना है, कैसे अपने आप को स्ट्रेंथ में लाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो आपके लाइफ में जो भी ऐसे गुरु हैं या जो भी ऐसे गाइड हैं, उनको अपने लाइफ में रखिए और उनकी बातों को महत्व दीजिए और अपने आप को हील कीजिए जितना हो सके। इवन आपको एंजल्स या कोई स्पिरिट गाइड्स भी या कोई स्पिरिट एनिमल्स भी आपको हील कर रहे हैं। थर्ड कार्ड है हमारे पास गार्जियन। मैंने कहा ना, अभी जस्ट मैंने कहा और ये कार्ड आ गया, गार्जियन एंजल्स। गार्जियन एंजल्स आपके टोटम एनिमल्स हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हर टाइम अलग अलग स्पिरिट एनिमल्स ने गाइड किया। जैसे सबसे पहले मेरे लाइफ का जो स्पिरिट एनिमल था वो था आउल, फिर उसके बाद हॉर्स, फिर उसके यूनिकॉर्न कह सकते हैं, मतलब वो अलग ही टाइप का हॉर्स था। वैसा हॉर्स मैंने कभी पिक्चर में भी नहीं देखा है, इमेज में भी नहीं देखा है, वो बिल्कुल अलग था। उसके बाद मुझे कैट ने गाइड किया, मुझे स्पाइडर ने गाइड किया, मुझे स्नेक ने गाइड किया, बहुत ज़्यादा स्नेक ने बहुत ज़्यादा गाइड किया मुझे। उसके बाद पीकॉक ने गाइड किया, डियर ने गाइड किया, मतलब स्टेज पे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग स्पिरिट एनिमल्स या एंजल्स या असेंडेंट मास्टर्स गाइड करते हैं। तो वैसे ही आपको आपके गार्जियन एंजल्स गाइड कर रहे हैं और हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट मैसेज है इनक्यूबेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में घुट रहे हैं, अपने अंदर सारे सप्रेस्ड इमोशंस को दबा कर रखे हुए हैं, तो उन्हें रिलीज़ कीजिए, ये सही समय है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है विंटर। ओके, सो ये आज की एनर्जी है। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।